मॉर्निंग एस्पिरेंट्स वेलकम टू एग्जामपुर हम है कलम से क्रांति मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ तो भैया ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और कह रहा है महाराष्ट्र में गन्ना किसान महिलाएं यानी कि गन्ना उगाने वाले या फिर गन्ने के खेतों में काम करने वाली जो किसान महिलाएं हैं उनमें गर्भाशय निकालने का एक नया चलन देखने को मिला है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि जो गन्ना के किसान हैं, उन लोगों को वो छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है भाई दिहाड़ी बेसिस पे कार्य होता है वहां पे। तो जब वो छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेसिकली इंफेक्शन इसके अलावा मेन्ट्रल डेट्स और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर कोई आ, जो फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना इसकी वजह से इन्हें काफ़ी छुट्टी लेनी पड़ती है तो अब बेसिकली इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो महिलाएं हैं उन्होंने गर्भाशय ही निकालना खत शुरू कर दिया है कि गर्भाशय ही नहीं रहेगा तो ये समस्याएं भी नहीं रहेंगी ये जो प्रक्रिया होती है आप इसको हिस्ट्रिक्टमी कहते हो जहाँ पर आप अपना गर्भाशय रिमूव करा देते हो तो आंसर हो जाएगा हिस्ट्रिक्टमी दूसरा यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा आपको वैसेक्टमी वैसे टमी में क्या होता है पुरुषों का जो वास डेफरेंस होता है इसको कट कर दिया जाता है दमी ट्यूबेक्टमी क्या होती है महिलाओं के अंदर नसबंदी की जाती है ट्यूब को काट के ठीक है क्या फेलोपियन ट्यूब को जब आप कट कर देते हैं तो वहां पे मादा नसबंदी हो जाती है सरोगेसी क्या है कि यहां पे एक महिला है ठीक है यह एक महिला है और यह फॉर सम रीजंस इनके पास बच्चे नहीं हैं तो ये और इनके पति डिसाइड करते हैं कि एक तीसरी महिला से क्या करेंगे एक तीसरी महिला से उनके गर्भाशय में बच्चे को रखवाएंगे तो इस महिला का ओवम इस पुरुष का स्पर्म इन दोनों को उठा के इस महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं ठीक है इनके यूट्रस में डाल देते हैं और अल्टीमेटली क्या होगा इनके यूट्रस में ही वो बच्चा पलेगा बढ़ेगा क्या रीज़न है कि ये क्यों नहीं अपने यूट्रस में पाल दें क्योंकि इनका यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर वो तैयार नहीं होता वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती है तब ऐसी समस्या होती है तब सरोगेसी का सहायता ली जाती है जहाँ पे बच्चे के पास जो है उसके माता पिता का ही क्रोमोजोम्स होते हैं यानी कि उनके ही माता पिता के सेल्स होंगे लेकिन वो पलेगा बढ़ेगा किसी और एनवायरमेंट में ठीक है चलिए जी तो अब आगे चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है वॉट इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू स्ट्रेट गैस भैया सीधी बात है क्या किया जा रहा है सीधा आपका सॉलिड से गैस हो रही है अगर कोई भी वस्तु तो हम उसको क्या कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पानी की तो पान जो बर्फ होती है वो क्या करेगी वो धीरे धीरे मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वो पानी बन जाती है फिर वो पानी को अगर आप गर्म करोगे यहाँ पे हीट दोगे तो यह भाप बन जाती है यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाता है ठीक है वाष्पीकरण हो जाता है तो ये आपकी नॉर्मल प्रक्रिया होती है लेकिन कुछ आपके पदार्थ होते हैं जो क्या होंगे बेटा जो सीधा आपके सॉलिड से गैस बन जाते हैं सीधा आपके सॉलिड से गैस बन जाते हैं तो आप इसको क्या कह देते हो सबलीमेशन कह देते हो जैसे आपने देखा होगा कैम्फर यानी कि जिसको आप कपूर कहते हो ठीक है इसके अलावा नेफ्थलीन की गोलियाँ ठीक है और इसके अलावा ओडोनेल आपके घर में है कभी देखा ओडोनिल पानी की तरह बह रहा है नहीं देखा ना क्यों क्योंकि वहां पे वो सीधा सब्लिमेट हो जाता है उर्द्व हो जाता है उसका और वो सीधा गैस में तब्दील हो जाता है ठीक है अच्छा आपको ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर कोई वस्तु सीधा गैस से ठोस बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं है, तो है, वो सब्लिमेशन कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है बच्चे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु का द्रव्यमान जो है एक डैश है कैसी इकाई है भौतिक मात्रा है स्केलर इकाई है आ, स्केलर मात्रा है यानी कि अदिश मात्रा है तीसरा आ जाता है मौलिक मात्रा है या फिर ये सभी सही है क्या कर दोगे? वस्तु का द्रव्यमान जो हो और साथ साथ बिना दिशा के भाई अगर आपने पांच किलो चीनी लेनी है मीन्स पांच किलो चीनी लेनी है उसमें आप उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं बताएंगे है ना तो इसका मतलब वो स्केलर भी है वो भौतिक भी है और साथ साथ हम जानते हैं हमारे पास सात मौलिक मात्राएं होती हैं उनमें से एक मात्रा मास भी भी तो 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 होती है है ना द्रव्यमान भी तो होता है। तो इसका मतलब ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं मास के बारे में यानी कि मात्रा द्रव्यमान के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी आ जाता है कहता है यदि आंख कलंस अपारदर्शी हो जाए ठीक है तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है बेसिकली देखिएगा कि एक्चुअल में हमारा आंखों का लेंस कुछ इस तरीके से होता है एकदम ट्रांसपेरेंट सा लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो उस पर क्लाउडीनेस आ जाती है तो उस क्लाउडीनेस के कारण क्या होगा देखो नॉर्मली हमारी जो लाइट रेस थी वो एकदम क्लियर बन रही थी बट ड्यू टू क्लाउडीनेस क्या होगा कि ये जो हमारी आई है ये जो हमारी आई है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर जो लाइट रे हैं उनको जहां से जगह मिलेगी वो वहां से हमारे रेटिना के ऊपर पढ़ने की कोशिश करेंगे और इमेज बनाने की कोशिश करेंगी आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा इसी समस्या को आप कैटरेक्ट कहते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि मैम अगर आंख का लेंस जो है धुंधला हुआ तो इसका मतलब मोतियाबिंद हुआ है ठीक है क्या हुआ है मोतियाबिंद यहाँ पे हुआ है चलिए जी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं ये क्वेश्चन आपका बॉटनी से आ जाता है कहता है द प्लांट और प्लांट पार्ट मूविंग पौधे का फोटोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म थिग्मोट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म तो फोटोट्रोपिज्म लाइट की वजह से जो अपने अंदर वो चेंजेस लाता है हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से जो चेंजेस लाता है थिग्मोट्रोपिज्म टच की वजह से जो चेंजेस लाता है और जियोट्रोपिज्म भूमि की वजह से जो चेंजेस लाता है लैंड की वजह से जो चेंजेस लाता है तो आप देखिए इसमें क्या है ड्यू टू अर्थ अर्थ की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जियोट्रोपिज्म पूछा है ठीक है आई जस्ट सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा छोटा सा सेशन था चीजें शायद आपको अगर अच्छी लगी हूं ठीक है तो क्लास को लाइक कीजिएगा चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आ, क्लास को शेयर भी कर देना आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं दीज आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी तो डेफिनेटली आप लोग जो है अगर क्लास अच्छी लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास अगर अच्छी नहीं लगी हो तो रीजन भी बताइएगा मैम इसलिए क्लास अच्छी नहीं लगी ठीक है तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय बाय